हाँ भाई, क्या हाल चाल है। तो चलिए, हम भी एक लंबे ब्रेक के बाद आप लोग से मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए, तो अब से हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू करने का वीडियोस। तो आज के सेशन में जो है, हम लोग थोड़ा सा एक मिसलेनियस वीडियो देखेंगे, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन में मैं जब डायरेक्टली रूट्स निकाल ले रहा था, तो आप लोग बोल रहे थे कि सर एक वीडियो इस पे भी बना दीजिए कि रूट्स डायरेक्टली आप कैसे निकाल पा रहे हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, थोड़ा सा फास्टर वे में अपन जाएंगे, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिसके कारण उनको क्वेश्चन के बीच में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आते हैं तो हो सकता है 8-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा होगा। तो आज के सेशन में हम लोग फुल्ली वही रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको दो तरह से रूट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। पहला तरीका जो हम लोग देखे होंगे स्कूल के टाइम में ही, फर्स्ट इंटू लास्ट वाला। क्या तरीका है मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा तरीका जो है हम लोग का, डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, जो श्रीधराचार्य रूल के अनुसार उसका एक फॉर्मूला होता है, उससे बनाते हैं। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य रूल या डिस्क्रिमिनेंट मेथड कैसे जो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बता देता हूं, आप लोग को सबको पता ही होगा। जैसे कि इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ आपको पता है सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे। तो एक्स का वैल्यू आपको क्या आता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ए वाला जो सेकेंड मेथड है, वो हम तब लगाएंगे जब फर्स्ट मेथड से आपको डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा हो। ज़्यादातर है आपको 95% क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से दिख जाएंगे। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। वो देखिए कि एक इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसमें बी को आपको इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है, सपोज बी वन और बी टू में इस तरह से फैक्टराइज करना है कि उसका सम, यानी कि बी वन प्लस बी टू तो आपको बी के बराबर आ जाए, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है बी वन इंटू बी टू, ये प्रोडक्ट आपको किसके बराबर आए, ए और सी के बराबर आए। यानी कहने का मतलब है कि जो एक्स का कोफिशियंट वाले टर्म है उसको इस तरह से बांटना है कि उसको बांटने पे दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ए आपका है फर्स्ट इंटू लास्ट रूल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हालांकि ए मेथड भी यूज नहीं करना है, इसी मेथड का यूज करके इसका एक एक्सटेंशन यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को देख लेते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो फर्स्ट इंटू लास्ट से देख रहे हैं कि हम लोग के पास एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 156 इज इक्वल टू जीरो। अब आप 25 को किस तरह से डिवाइड करेंगे, 25 को डिवाइड करने के लिए आप 16 9 25 16 9 144 नहीं आएगा, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये आपका 13 और 12, यदि इसको करते हैं 25 को तो 13 गुना 12 क्या आता है, 13 दहाई 130, 13 दूना 26, 156 आ जाता है। तो इस वाले चीज को आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12y प्लस 156 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से आप y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 13। इसमें से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 13 बराबर जीरो। y माइनस 13 कॉमन है, बाहर ले लीजिए तो y माइनस 13 बच क्या गया आपके पास, y माइनस 12 बच गया बराबर जीरो। तो अब y माइनस 13 को जीरो के बराबर करेंगे एक बार तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13। एक बार y माइनस 12 को जीरो के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 12। तो ये आपका फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड है, जो हम लोग कॉलेज के समय में ही, कॉलेज नहीं सॉरी, स्कूल के समय से ही यूज करते हैं। यदि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके थोड़ा और एक्सटेंशन इसको दिया जाए, तो इसको जो रूट्स निकालने का मेथड है, ये मेथड आप लोग जरूर इसको अप्लाई कीजिए। क्या है देखिए,
वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 156 बराबर जीरो। आप क्या कीजिए, 25 को आप कैसे कर सकते हैं आपको दो भाग में, माइनस 13 और माइनस 12 में, और एक्स का यदि वैल्यू निकालना है या वाई का वैल्यू निकालना है, जो भी आपको जो भी वेरिएबल दिया गया है उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, y का वैल्यू निकालने के लिए जो दो भागों में आपने बांटा है उस भाग को वैसे ही रहने दीजिए। जैसे कि माइनस 25 को आपने माइनस 13 माइनस 12 किया है, और जो भी एक्स स्क्वायर वाले यानी कि सेकेंड डिग्री वाले का कोफिशियंट है, तो यहाँ पे कोफिशियंट क्या है, 1, तो इसको निगेटिव करके भाग दे दीजिए, तो माइनस 1 से दोनों में भाग हो जाएगा, यानी कि वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 और 12। तो ये आप दोनों मेथड से देख रहे हैं, लेकिन आप रूट्स निकालते वक्त इस मेथड का यूज कीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वर्बली हो जाएंगे। हाँ, दो चार क्वेश्चंस आपको आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा फैक्टर सोचने में टाइम जरूर लगेगा। तो ये मेथड आपने समझ लिया क्या, कि एक्स का जो कोफिशियंट है उसको दो बराबर भागों में बांटिए, और जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका बटे माइनस निगेटिव करके जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से माइनस करके एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से डिवाइड कर दीजिए, आपके रूट्स निकल जाएंगे। तो ये आपका तरीका है, इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, लेकिन ये अभी आपके लिए आप ये समझ लीजिए कि ये आपका अप्रोच है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि आपको जो रूट्स आएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसका साइन क्या होगा, उसका चिन्ह क्या होगा दोनों रूट्स के, दोनों मूल के। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि ए बी सी जो चारों जो पॉसिबल इक्वेशंस बन सकते हैं उसके पॉसिबल इक्वेशन में कंडीशन है कि ए बी सी जो कोफिशेंट है वो आपको पॉजिटिव लेने हैं, ग्रेटर देन जीरो लेने हैं। तो पहला वाला देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप एक चीज़ तो यहाँ पे देखेंगे कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बटे ए, और बी और ए पॉजिटिव संख्या है, इसका मतलब कि सम तो क्या आएगा आपको, निगेटिव आएगा। सम निगेटिव आने के लिए कि दो रूट्स में से एक रूट्स तो आपको निगेटिव होना ही पड़ेगा, यानी कि इस रूट्स का एक रूट तो निगेटिव होगा ही होगा। दूसरा रूट्स यदि आप इस मेथड को यूज करेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बटे ए, यानी कि सी भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव संख्या दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है और एक चीज़ उसमें से निगेटिव है, इसका मतलब कि दूसरा चीज़ भी आपको क्या लाना होगा, निगेटिव, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका भी रूट्स क्या, दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, निगेटिव निगेटिव आ जाएंगे। तो ये लॉजिकल थिंकिंग में मैंने आपको बता दिया। यदि इसको डायरेक्ट देखना है तो कैसे करना है, देखिए रूट्स का साइन यदि आपको निकालना है तो जो एक्स का कोफिशियंट का जो साइन है उसको आप निगेटिव कर दीजिए, यानी कि रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स के कोफिशियंट का साइन पॉजिटिव है, यानी कि पहला साइन तो निगेटिव आ जाएगा पहले रूट्स का। अब देखिए सी का साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इसको पॉजिटिव लाने के लिए निगेटिव को निगेटिव में गुना करना होगा, तो दोनों रूट्स निगेटिव आ गए। यदि दूसरे कंडीशंस की बात करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो में एक्स का कोफिशियंट बी है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि एक रूट तो निगेटिव आएगा। अब सी का साइन क्या है, निगेटिव, यानी कि निगेटिव को निगेटिव करने के लिए क्या चीज़ से गुना करना होगा, यानी कि पॉजिटिव से गुना करना होगा। सिमिलरली थर्ड केस को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स का कोफिशियंट बी का साइन निगेटिव है, यानी कि आप इसको पहला रूट का साइन पॉजिटिव ले लेना है, सी का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव को किस चीज़ से गुना करें तो पॉजिटिव आए, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही गुना करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ए साइन हो गया थर्ड वाले का। फोर्थ वाले का साइन यदि आप देखना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट रूट क्या होगा, एक्स के कोफिशियंट का निगेटिव, यानी कि माइनस है तो उसका निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव को सी का कोफिशियंट क्या है, इसका कोफिशियंट का साइन निगेटिव, तो पॉजिटिव को निगेटिव करने के लिए निगेटिव से गुना करना होगा। यानी कि चार कंडीशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनेंगे, उसमें आपको क्या होगा, फर्स्ट वाले का दोनों रूट्स निगेटिव होंगे, सेकेंड वाले का एक रूट निगेटिव एक पॉजिटिव, थर्ड वाले का दोनों पॉजिटिव होगा, और फोर्थ वाले का एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट्स होंगे। तो ये आपका साइन यदि आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो देख के ही बोल सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, चारों जो टाइप्स बताए हैं, चारों जो
अलग अलग पॉसिबल तरीका जो है उसमें एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे पहला का एग्जाम्पल यदि देखें तो पहला का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि क्या ले लेंगे इसको, कि तीनों टर्म्स का जो है साइन पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं 5y² प्लस 17y प्लस 14 बराबर 0। अब 17 को कैसे कर सकते हैं ताकि 14 × 5 70 आए, तो 17 को आप 10 और 7 में डिवाइड कर सकते हैं। y का वैल्यू निकालना है यानी कि y² के कोफिशियंट को निगेटिव करके आपको भाग देना होगा। तो इसके रूट्स क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए आपको -2 और -7/5। तो क्या आप देखिए पहला केस में दोनों रूट्स निगेटिव आए कि नहीं आए, पहला केस का दोनों रूट निगेटिव, हम साइन बताए ही थे कि दोनों रूट्स निगेटिव आएंगे। और रूट्स कैसे फाइंड आउट किए, 17 को सीधा 2 बराबर भागों में इस तरह से बांटे कि उस दोनों भागों का गुणनफल 14 और 5 के गुणनफल के बराबर हो, तो रूट्स आपको डायरेक्टली निकल गए। अब सेकेंड केस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सेकेंड वाले का एक एग्जाम्पल लिया कि 32y² प्लस 4y - 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए 21 को आप 7 × 3 और 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को इस तरह से आप कीजिए कि 8 × 4 लेके यदि देखते हैं तो 8 × 4 फर्स्ट इंटू लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे कॉम्बिनेशन लेने से ये 4 आ सकता है, 7 × 4 = 28, 8 × 3 = 24, 4 आ रहा है, यानी कि 4 को आप क्या कर सकते हैं 28 और -24 करेंगे। देखिए दोनों का सम क्या आ गया, 4 आ गया, दोनों का गुणनफल 32 × 21 आ रहा है, यानी कि y का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आप फैक्टराइज किए y² के कोफिशियंट को निगेटिव करके भाग दे दीजिए। तो y² के कोफिशियंट को निगेटिव करके ये तो पॉजिटिव आ गया, 4 से ये कटेगा, क्या आ जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, -7/8, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 4 × 6 = 24, यानी कि 8 से काटेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, यानी कि 3/4। ये तो आपको रूट्स आ गए क्या, 7/8 माइनस में और 3/4। यदि आप रूट्स का साइन देखेंगे तो क्या है, आपको निगेटिव है, दूसरा साइन क्या है, पॉजिटिव है। क्या जो दूसरे का साइन मैंने बताया था आया है कि नहीं, निगेटिव और पॉजिटिव जरूर आया है। तो इस तरीके से मैंने आपको रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स का साइन यदि आपको कभी कभी डायरेक्ट केवल साइन से ही काम चल जाएगा, तो साइन तो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही आप बता सकते हैं। चलिए तीसरा का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा का एक एग्जाम्पल ले लिया कि 6x² माइनस 49x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं दिख रहा है तो सबको फैक्टराइज कर दीजिए, 99 को करेंगे तो 11 × 3 × 3, 6 को करेंगे तो 2 × 3। अब कंबाइन करने की कोशिश कीजिए कि क्या प्लस माइनस करने से 49 आ रहा है क्या, 3 × 3 = 9, 3 = 27, यदि 3 × 3 = 27 और 11 × 2 = 22, 27 और 22 क्या होता है, 49 होता है, तो 49 को आप सीधा तोड़ सकते हैं किसमें, -27 और -22, क्योंकि -49 है। x का वैल्यू निकालना है तो x² के कोफिशियंट को निगेटिव करके भाग देना है, तो भाग दे दिए, a भी पॉजिटिव। अब ये क्या आ जाएगा, 3 × 27, 3 × 2 = 6, ये क्या आ जाएगा, 2 × 11/3, यानी कि x का वैल्यू आपको क्या आ गया, 9/2, 11/3 आ गया। अब इस दोनों का साइन देखिए क्या है, इसका भी साइन पॉजिटिव आया, इसका भी साइन पॉजिटिव आया। क्या थर्ड केस वाले का साइन दोनों का पॉजिटिव हमने बताया था कि नहीं बताया था, ऑब्वियसली बताया था। तो यहां से आपने रूट्स में निकाल लिया, साइन का पता करना है यदि डायरेक्टली तो साइन भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लास्ट वाले का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट टाइप का एग्जाम्पल है 8x² माइनस 10x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो सबको फैक्टराइज करेंगे, 2 × 2 × 2 8 हो गया, 63 को आप क्या कर सकते हैं, 3 × 3 × 7। अब इस तरह से 10 लाने की कोशिश करेंगे, 10 लाने की कोशिश करने में क्या आ रहा है, 4 × 7 = 28, 3 × 3 = 9 × 2 = 18, 4 × 7 = 28, 3 × 3 = 9 × 2 = 18, यानी कि 28 और 18 में जा रहा है, तो माइनस लाना है, तो यानी कि -28 और इधर 18 लेना लेना होगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x² का कोफिशियंट यानी कि 8 को निगेटिव करके दोनों में भाग दे दीजिए। अब देखिए a पॉजिटिव हो गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, यहां से 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, यहां से आ जाएगा क्या आपको, 2 × 18 यानी कि -9/2 = 8।
माइनस नाइन बाई फोर और सेवन बाई टू एक्स का वैल्यू आ गया। यदि आप इसका साइन जो आप ऑलरेडी मन में निकाले हैं कि एक साइन पॉजिटिव एक साइन निगेटिव होगा, देख लीजिए इसका साइन क्या है, आपको पॉजिटिव है, इसका साइन क्या है निगेटिव है। तो इस तरह से मैंने मेन फोकस किया कि आपको रूट्स कैसे निकालने हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन में केवल साइन से काम चल जाएगा। तो साइन निकालने के लिए मैंने ए वाला मेथड बताया कि केवल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के साइन क्या होंगे, चिन्ह क्या होंगे। तो ए तो हो गया। अब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लाखों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट मैंने जो आपको इसका कॉन्सेप्ट है और फास्टर वे में कैसे इसका रूट्स निकाल सकते हैं उस रूट्स को मैंने बताया। हालांकि पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट मैंने, जब बैंकिंग वालों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है कि दो इक्वेशन दिए रहते हैं, एक एक्स में एक वाई में, और एक्स और वाई में रिलेशन पूछा जाता है, तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने 5 वीडियो इसका बताया है। बट आप लोग एसएससी का भी बना रहे हैं हम लोग, तो मैंने आपको कोशिश किया क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि प्लीज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने पर भी वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया। अब जो है हम लोग देखेंगे, कभी कभी आपको रूट्स वाले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे, तो कुछ एग्जाम्पल रूट्स वाले का भी देख लेते हैं। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना था, क्वेश्चन कैसे भी आए कॉन्सेप्ट को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। यदि केवल आपको साइन चाहिए तो साइन क्या आ जाएगा, ये तो प्लस आ जाएगा, सी वाले का साइन निगेटिव है, यानी कि प्लस को निगेटिव करने के लिए निगेटिव, यानी कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव आएगा, पक्की बात है। अब देखिए इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 24 बराबर जीरो। 24 लाना है, 24 कैसे ला सकते हैं रूट टू का, रूट टू करने के लिए यानी कि किसी दो में आपको डिफरेंस एक का ही लेना होगा तभी रूट टू आएगा, यानी कि इस रूट टू को आप दो बराबर भाग में ऐसे बांट सकते हैं कि पहला को माइनस फोर रूट टू ले लीजिए और दूसरा को आप थ्री रूट टू ले लीजिए। देखिए दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस रूट टू, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार तियाई बारह रूट टू गुना रूट टू 24, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को निगेटिव करके भाग देना होगा, यानी कि माइनस वन से भाग दीजिए, तो ये चीज क्या आ जाएगा, फोर रूट टू कॉमा माइनस थ्री रूट टू, ये दोनों आपके रूट्स आ गए इस इक्वेशन को। तो बहुत ईजी है डायरेक्टली रूट्स निकालना। यदि आप दूसरा, यदि आप देखना चाहेंगे कि दूसरा का क्या होगा, दूसरा इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि एक्स माइनस सेवन रूट में है आपका 3x प्लस 36 बराबर जीरो। अभी तक ए इक्वेशन क्या है आपको, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो रूट में एक्स है, रूट में एक्स है, लेकिन रूट में एक्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होता है, एक्स का कोफिशिएंट 2 नहीं है, तो हम लोग एक्स को किसी भी स्क्वायर वाले टर्म में मान लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि एक्स बराबर ए स्क्वायर है। अब इसको हम लोग आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सेवन रूट थ्री ए, ए अब रूट के बाहर आ गया, प्लस 36 बराबर जीरो। अब सात रूट तीन को कैसे डिवाइड करें कि उसका प्रोडक्ट 36 आए, चार तियाई बारह तियाई 36, यस, इसको आप माइनस फोर रूट थ्री और माइनस थ्री रूट थ्री कर सकते हैं। अब देखिए दोनों का सम माइनस सेवन रूट थ्री आ गया, दोनों का प्रोडक्ट चार तियाई बारह तियाई 36 भी आ गया, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशियंट को निगेटिव करके आप भाग दे दीजिए, तो ये चीज कितना आ जाएगा आपका, फोर रूट थ्री कॉमा थ्री रूट थ्री, लेकिन ए वैल्यू आपको एक आया, आपको निकालना किसका वैल्यू है, एक्स का, तो एक्स का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर के बराबर, तो एक्स क्या है, ए स्क्वायर के बराबर, तो क्या हो जाएगा, फोर रूट थ्री का स्क्वायर, चार चौका 16 तिहाई 48, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, तीन तिहाई 9 तिरी 27, यानी कि एक्स का वैल्यू, पहला वैल्यू तो आ जाएगा 48, दूसरा वैल्यू आ जाएगा 27। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल भी सिमिलर है, तो क्यों ना हम एक्स को ए स्क्वायर के बराबर अगेन मान ले, तो ये आ जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस 12 रूट टू ए प्लस 70। अब 12 रूट टू को किस तरह से डिवाइड करें कि उसका प्रोडक्ट 70 आ जाए, सात पाँच बारह,
7 × 5 = 35 दूना 70, यस, -7√2, -5√2 में अब ए का वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर का कोफिशियंट -1 है, ए स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, निगेटिव करेंगे तो -1, यानी कि इसके रूट्स आ जाएंगे 7√2 और 5√2 आ जाएगा। अब इसको देखिए, आपको निकालना ओवरऑल है किसका, एक्स का मान, तो एक्स का वैल्यू आपने ए स्क्वायर के बराबर माना है और ए का वैल्यू 7√2 और 5√2 है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि 7 × 49 = 98 और 5 × 25 = 50, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 98 और 50 आ गया। तो इस तरह से आप रूट्स वाले क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं इजीली। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है आपको। फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि 63x² -194x + 143 = 0। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट कुछ नहीं दिखेगा, तो क्या कीजिए, इसको प्राइम फैक्टर में लगा दीजिए। 63 को आप कैसे लिख सकते हैं, 63 को आप 7 × 3, 7 × 3 = 21, 3 = 63, 143 क्या प्राइम नंबर है, 13 दहाई 130, 13 11 ही है, नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 13 × 11। अब इसको किस तरह से कंबाइन करेंगे ताकि इसको जो है 194 में ला सकते हैं, तो 13 × 97 = 11 × 99 नहीं आएगा, 13 × 97 = 11 × 99 नहीं आएगा, 13 × 117, 11 × 77, 117 और 77 आपको 194 दे रहा है, यानी कि इसको आप डिवाइड कर सकते हैं किसमें किसमें, 117 में और 77 में, आपको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को निगेटिव करना है, यानी कि -63 से आपको भाग दे देना है, दोनों तो प्लस हो जाएंगे। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, 9 से यदि काटेंगे तो 9 से ये 13 टाइम्स, 9 से ये 7 टाइम्स, यहाँ पे काटेंगे 7 × 63, 7 × 11 = 77, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13/7 और दूसरा वैल्यू आ गया 11/9। तो इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसके रूट्स बहुत इजीली तो नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चन होगा जिसके जो रूट्स हैं आप देख के निकाल सकते हैं, जैसे कि चौथा टाइप का क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि कैसे अपन इसके को प्राइम फैक्टर में, को प्राइम बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर में ले जाऊँ और उस तरह से जो है बीच वाले एक्स के कोफिशेंट में लाया जा सके। ऐसे जैसे ही ये आया, इस तरह के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप जिन लोगों का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिक्वेस्ट था कि रूट्स कैसे निकालते हैं, आपको समझ में जरूर आया होगा, मैं जितना इजी वे में हो सकता था समझाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो है डेली क्विज वाले और रेसेस वाले, थोड़ा सा समय दीजिए, रेगुलर तो मैं नहीं आ पाता हूँ, डेली आने का टाइम नहीं है मेरे पास, बट मेरे से जितना टाइम मेरे को मिलेगा, मिल रहा है, मैं ज़रूर आऊँगा। 1 महीने का गैप इसलिए था क्योंकि मैं घर गया था छुट्टी में, तो घर पे वीडियो बनाना, हर साल तो यही काम करता हूँ, अपना जॉब, आपके लिए वीडियो बनाना, थोड़ा टाइम फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं उस बीच में नहीं चाहा कि आप लोग के लिए मैं कुछ वीडियो डालूँ, जो भी टाइम था मैं अपने फैमिली को दिया। तो चलिए सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, हम इधर अपने आप में खुश हैं। तो चलिए तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।